खबर जालौन से है, जहां पर खबर का असर होता नजर आ रहा है। शेरगढ़ घाट स्थित यमुना नदी पुल की जर्जर हालत का विशाखापट्टनम से आई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डिजाइन कंसल्टेंसी कंपनी के विशेषज्ञों की टीम ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान ड्रोन से किए गए सर्वे में पुल के निचले हिस्से के बेयरिंग जाम मिली। आपको बता दें कि यह टीम 5 दिन तक पुल के खंभों की पानी के अंदर और बाहर की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण करेगी। टीम की रिपोर्ट के बाद ही काम शुरू कराया जाएगा। नमस्कार। जनपद जालौन और औरैया को जोड़ने वाला यमुना नदी का पुल अब बहुत जल्द यात्रियों के लिए आवागमन के लिए व्यवस्थित किया जा सकता है। हमने अपने चैनल पर कुछ दिनों पहले खबर दिखाई थी कि सरकार द्वारा किए गए 3 महीने के वादे को पूरा कैसे होगा काम, क्योंकि 1.5 महीने से ज़्यादा बीत जाने पर भी काम तो शुरुआत तो छोड़िए, उसका निरीक्षण भी नहीं हुआ। खबर को संज्ञान लिया गया है और कल विशाखापट्टनम से आई टीम ने ड्रोन कैमरे के जरिए इस पुल की बारीकियां परखी हैं, इस पुल में जो कमियां थी उनको देखा है। दरअसल विशाखापट्टनम से आई टीम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डिजाइन कंसल्टेंसी यानी कि IDDC की कंपनी के नुमाइंदे शेरगढ़ घाट यानी यमुना पुल पर पहुंचे हैं। उन्होंने ड्रोन कैमरे से पुल की बारीकियों को परखा, तो कई जगह बेयरिंग जाम मिली हैं, कुछ जगह क्रैक मिले हैं, यानी कि सही समय पर लिए गए निर्णय से एक बड़ा हादसा टला। अब विशाखापट्टनम से आई इस टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार की है और वो सरकार को सौंपने वाली है। यानी उम्मीद ये की जा सकती है कि जल्द ही इस शेरगढ़ घाट इस यमुना पुल पर आवागमन व्यवस्थित हो सकेगा, क्योंकि जो टीम आई है जिसने बारीकियों से इसकी जाँच की है उसके मुताबिक इसमें बहुत सारी कमी है। कई जगह बेयरिंग जाम है, कई जगह क्रैक्स हैं, कई जगह और भी कमियाँ हैं। उन सबको ठीक कराने के लिए विशेषज्ञों की टीम अब कभी भी यहाँ इस पुल पर काम शुरू कर सकती है, यानी कि बहुत जल्द ही आपको अब इस यमुना पुल पर आवागमन व्यवस्थित होता दिखाई देगा। खबर जालौन से है, जहाँ छुट्टी पर आए सैनिक की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। वहीं झांसी से आई सिख रेजिमेंट की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ सैनिक का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि मृतक सैनिक गंगानगर में वर्कशॉप फरीदकोट में टेक्निकल ट्रेड पर तैनात था। वहीं अंतिम संस्कार के दौरान स्थानीय पुलिस के साथ कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खबर जालौन से है, जहां संपत्ति हड़पने की नीयत से युवक की हत्या के मामले में 12 साल बाद क्रिमिनल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बता दें कि संपत्ति हड़पने की नीयत से दंपति ने एक युवक की जहर खिलाकर हत्या कर दी थी, जिसके 12 साल बाद अपर जिला न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपी दंपति को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। ये पूरा मामला जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र का है। ये घटना 7/8/2010 की समय 3 बजे की है, दिन की। अभियुक्त सुरेश, उसकी पत्नी राधा, उसके लड़के निक्की, 4 लोग जो है मृतक दिलीप को अपने घर ले गए कि हमें जमीन का फैसला करना है, मकान का बंटवारा करना है, पंचायत होनी है, आप चलिए। इस चक्कर में ले गए उसको अपने घर सुरेश, उसको बंद कर दिया और बंद करने के बाद उसको डाई जो पैराफिनाइल डाइअमीन इस देकर के उसको जो है उसकी हत्या कर दी, मार दिया उसको। तो कितने साल की सजा हुई है इसमें? धारा 304 फर्स्ट में आजीवन कारावास, 342 में 7 वर्ष और 328 में 7 वर्ष की सजा। तक दिलीप के नाम उसके बाबा श्रीपद साय ने 1/2 की वसीयत, 1/2 की वसीयत सुरेश जो अभियुक्त है उसको कर दी थी। सुरेश ने उसको रास्ते से हटाने के लिए इसकी जो है इस घटना के 7-8 महीने पहले। कितने लोगों को सजा हुई है? 2 लोगों को। कितने कितने साल की सजा हुई है? आजीवन कारावास हुआ। उत्तर प्रदेश में फर्जी शिक्षकों ने सरकार को जबरदस्त चूना लगाया है। हरदोई जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने 124 शिक्षक शिक्षिकाओं ने शिक्षक विभाग से 3,14,502 रुपए हड़प लिए। आपको बता दें कि विभाग अभी तक उनसे वेतन के रूप में दी गई धनराशि वसूल नहीं कर पाया है। अब शिक्षा महानिदेशक ने सभी फर्जी शिक्षकों से रिकवरी करने के निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
हमारे जनपद हरदोई में जो अपडेट है उसमें 124 फर्जी शिक्षक पाए गए हैं। इनमें से 123 जो शिक्षकों के विरुद्ध FIR दर्ज की जा चुकी है और सेवाएं तो सभी की समाप्त कर दी गई हैं। रिकवरी की कार्यवाही गतिमान है। उक्त शिक्षकों द्वारा 3,14,502 रुपये वेतन के रूप में प्राप्त किए गए हैं, जिनकी रिकवरी की कार्यवाही गतिमान है। अभी और शेष कितना रिकवरी का एक शिक्षिका है, उनका मामला कोर्ट में है। कोर्ट से निर्णय आते ही इसमें आगे कार्यवाही दर्ज की। खबर बहराई से, जहां के नानपारा क्षेत्र में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। बता दें आपको कि उन्नति डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक डॉक्टर SP श्रीवास्तव ने क्लासिक लॉन में कथा का आयोजन कराया है, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। इस दौरान श्रद्धेय रविशंकर गुरु भाई ने पार्वती जी के जन्म से लेकर शिव के प्रति शक्ति की भक्ति, शिव भक्ति की वंशावली और विवाह उत्सव का बखान किया। आपको बता दें कि इस दौरान दर्शक भक्ति संगीत में झूमते नजर आए। खबर जालौन से है, जहां पानी का टैंकर ले जा रहे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। इस दौरान ट्रैक्टर सवार 2 मजदूर घायल हो गए। आनन फानन में राहगीरों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस सेवा की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहां से कहां जा रहे थे? हम लोग जा रहे थे सर टैंकर लेके मशीन पे। कहां पे? चेपला पुल। चेपला पुल पे तो वहां क्या हादसा हुआ सर? ये ऐसा हुआ कि ट्रैक्टर आ रहा हो तो पलटेगा टैंकर। अच्छा, टैंकर में थे आप लोग? ट्रैक्टर पे थे। कितने लोग सवार थे उसमें? तीन लोग थे जी। तीनों की हालत गंभीर है? दो की है सर। असली हमें नाम क्या क्या था इन लोगों का? दीवान राजा रोशन। दीवान राजा रोशन। खबर नरकटियागंज से है, जहां 2 गाय चोरी करते हुए चोरों को रंगे हाथों पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। बता दें कि पकड़े गए दोनों चोरों की पहचान भी कर ली गई है। वह इस घटना के बारे में थाना अध्यक्ष ने बताया है कि दोनों चोरों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा है और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। खबर नरकटियागंज से है, जहां TP वर्मा कॉलेज की महिला फुटबॉलर पल्लवी कुमारी को बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का सीनेट मेंबर बनने पर समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया है। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं इस दौरान सीनेटर पल्लवी को माला, अंगवस्त्र और ब्लेजर देकर सम्मानित किया गया है। साथ ही उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गई। खबर बरेली से है, जहां के फरीदपुर में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। इस मौके पर भाजपा नेता ने बताया है कि कनाडा और अमेरिका की यात्रा कर वो बरेली लौटे हैं। साथ ही कहा कि कार्यकर्ताओं से मिलकर बहुत अच्छा भी लगा और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के साथ सेल्फी भी ली है। और अमेरिका, जिसमें कनाडा में दिन में बर्फ़ पड़ती है, छाता लगा के, और ये कनाडा में टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, सैन डिएगो, और देश में भेजा है काफी।